मौले आवन सलाम करे मेरे व्यूअरां को मेरी वीडियो तेरे तो शुरू थी पी वालेकुम अस्सलाम मौले बंदे तो शुरू थी पी मेरी वीडियो मेरा पूरा डायलॉग आंदे जी मैं वीडियो स्टार्ट करन होना किवें करन होना मैं स्टार्ट करी अस्सलाम वालेकुम अगा मौले शरीफ बंदा यार मैं मौले को वीडियो तो ला देता अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है तबीयत सब ठीक है मैं हां मोहम्मद शहजाद सोरे द यूट्यूब चैनल वेला मुंडा टाइम थी ना पे 5:24 अगे मेरा व्लॉग जड़ा ना तकरीबन सवेर नाल स्टार्ट थी ना 10:11 स्टार्ट थी ना लेकिन आज दा मेरा व्लॉग शाम को स्टार्ट थी ना पे उन्दी खास वजह है पे उन्दी खास वजह है सुबह उठते सार ही मैं एडिटिंग ते बह गया एडिटिंग तो बाद नहाते हैं धोते हैं तैयारी की तैयारी करने के बाद आज असा शाम को एक इनविटेशन ते वेंदे पे बहुत आउट क्लास जगह है पे जिथा वेना से ओ थको वेंदे रस्ते दिसे सा हुन नेम दसेंदा क्योंकि थोड़ा जे सस्पेंस होना चाहिए सस्पेंस ना होवे तो वल चस नहीं आंदी आदनी जेड़ी चीज बगैर इंतजार दे बगैर तरसाए मिल वने ना ऊँ चीज़ की भी कदर कह नहीं आती तो वाल थोड़ा जहाँ तरसा के कदर बना के वाले इंशाल्लाह थोड़ा से सा तो जिन अजन तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कह नहीं किया तो जल्दी जल्दी सारे चैनल को सब्सक्राइब मारो तो वाला शुरू करें आज की मजेदार वीडियो मैं काटन का सूट ले बैठा सुनहरी तले पिशावरी चप्पल पई है एडू हाथ च मोबाइल है एडू मेरा काला सोना यार है एडू मेरा दादा आमदू दादा लिफ्ट ही कह नहीं अज हाँ सकलैन सकलैन सेना के कोलो चिट्टा थिया दी वजह दादा सकलैन सुने दादा देखो पोटर शोटर ला को रंग वटा अपना ये सारा दोस्त बैठे थे इधर सारा प्यारा दोस्त जी हो जी आप हो जी कपड़े पाती बैठे उठी के मिलो दादे ने सिफारिश की थी दादे ने आखे जवान को उठी के मिलो जब फिर पाके मिलना मेरा दादा जब फिर पाके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आपस ही गाले रहे हैं लगते विरा बैठे हो ये बिछड़े हैं विरा है मस्से मिले नहीं दादा बिछड़े हैं विरा नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह तो दोए विरा है मैं 14 तारीख को जमा ए 13 अप्रैल को जमा हां दोए गर्मी दे त्रे दीवार आ तक गर्मी है साठ सब हां जमे आ दादा हां दोए गर्मी सड़े जवान माशाल्लाह ए मेरा यार ही वे प्या व्यूअर तो सा मत आखो भी ना मजाक उड़ांदे बैठे मजाक कहने से उड़ांदे बैठे इना दुहाए नाल मेरी बचपन दी यारी है भाई जिथे बंदे दी बचपन दी यारी होवे ना उथा वाल इंज तंजो मजा गप शप शुगल मेला होंदे पिया मेरे जिगरी यार नी में को ना बिल्कुल जले असा बचपन ने खेदे होंदे आसे नहर देख बे को टच सटे दे आसे भेड़ पोंदे आसे तू सा को चिट्टे मंदे कटदा आवे याद ना इन नाल पवा ना भेड़ ऐसा को इतने मंदे कढ्या व्यूअर धियां भेणी दे कछ ना रखया साडी मजाक तो हट के ये सारा जिगरी यार है हैं जी याद आंदा वी पे तो मंदे जेड़े कटदे थो को सुनावण दे कोनी क्योंकि मक पता मेरे वीडियो जेड़ा ना फैमिला दे देन अगर थो को सुनवाए दे मंदे तो मेरे वीडियो तुसा देखना छोड़ वैसे लेकिन बस समझ बणो भाई किस लेवल दे मंदे कटदे आखरी हद तक ए मंदे कटदा हुंदा ई साको चिट्टे दे आन शुगल तू बा ज्यादा मंदे कटदे हां ई को छिड़े दे आसे ना जान जान के ई वाला ता मंदे कटदा साको मौली सारा यार वेंदा पिया वेंदी जहां ते सारा शुगल देखण वास्ते बह गए बिल्कुल ई मना चाह पिलावा खिदमत करा रोटी फवा खमावा कशे ते खिदमत करो चलो अल्लाह पाकिस्तान देवे तक बसता रहे इंशाल्लाह दादे को नाके सोने दे दित्ते ने में जोड़ी छो दित्ती हां ये दादे ने दुहाए जोड़ा गिफ्ट की तेरे में कोए घर दे बाहर माशाल्लाह मेरे सारे प्यारे दोस्त बह के आपस में गपशप लेने बैठे बदल बड़ा लेवल दा बन चुका है ये चेक करो कितना वीआईपी आखा या कोई खतरनाक आखा क्योंकि फुल बारिश और तूफानी बारिश वाला बदल बिना खड़ा है और असा ट्रैवल ते वेना से सफर ते भी वेना से अगर जी बदल बिना खड़ा इमे तूफानी बारिश आ गई मौसम ही खराब थी गया तो सारा सफर करना बड़ा मुश्किल थी वैसे बल्कि खतरनाक थी वैसे सारा सफर करना इधर देखो इधर देखो उठू उठिए इथा बैठिए ए वेली है मुस्टंडी कोई काम कोनी को है खड़ जा तक मैं दसा उठ मान के बह गई दसो दसो इको भी या कोई काम को है जान बुझ के पूछन मरे सी बैठी खड़ जा होनी थोड़ी खाए वैसे बई जात मान के बह वैसे इको बस इहो काम है क्योंकि एक रोटी मिल वेंदी है कोई काम शामे ने करना कोनी होता इमे शरारता साडा करनिया होंदी है इदे देखो डिठे डिठे ये बड़ी लाडली है भाई साडी फिलहाल टाइम छिना पवे 6:20 ना असा तकरीबन 30-40 मिनट वेट कर गिनदे अगर आंदी है तूफानी बारिश तो वाला सरवाना जैसे थींदे अगर मौसम आधे घंटे बाद सेट थींदे तो वाला सरवाना थी वैसो इस साइड तो मौसम बिल्कुल साफ है पिया लेकिन सेम इस साइड तो सामने काले बादल लेने पे और एक काले बादल बिल्कुल खतरनाक हैं पे क्योंकि साडे हमसाए शहरों दे विच काले बादल हैं उथा जाला बारी आई है और काफी तेज तूफान है और काफी नुकसानात हैं तो इस वजह तू ई बदल को देख के तो मेरे को बहुत परेशानी थी निकली कि ऐसे बदल ऐसा को ट्रैवल नहीं करना चाहिए तो फिलहाल बह के नहीं अपने दोस्तों ने गपशप लेने और मजीद वेट करें अल्लाह करे सी मौसम सेट थी वैसे और एक काले बदल लगे वैसे
टाइम जिंदा पवे 6 बज के 26 मिनट सिर्फ 5 10 मिनट गुजरे ना हुन तेज अंधेरी शुरू थींदी पई वे चेक करो काले बदल कितने तेज तेज बदल आए खन इदे चेक करो मेरे को लगदा कि हुन सब बाहरो नहीं बावणा चाहिदा और अंदर जाना चाहिदा आओ अंदर चलदे आओ 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 आगे बैठक खोले बैठक बैठक खोले 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 बैठक खोले बोतल मिठाई ये मेरे कजन ने पे प्यार तूफान एंजॉय करें दे बैठ बिस्मिल्लाह पढ़ो काफी नुकसान आली बारिश कोई नहीं सुकून आली बारिश चल रही ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਪਿਓ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਸੋ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਥੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਜੁਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਥੀ ਨਾ ਪਵੇ 8 ਵਜੇ ਕੇ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਰਿਮ ਜਮ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਿਮ ਜਮ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਬਾਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਸੇ ਨੇ ਉੱਠੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਦਸੈਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ घर जा सारे लाइटा बंद देने पिया क्योंकि बारिश आंदी खड़े ना लाइटा चलाओ मैं साड़ी ना वन इस वजह तू बाद लाइटा शाइटा सारे बंद है फुल अंधेरा थी खड़े और बिस्मिल्लाह पढ़ के ते सारी टीम रवाना थी पी अस शीशा बंद करूं क्योंकि देखो अंदर सारी बारिश आंदी पी मैं जिंदगी फर्स्ट टाइम इना दे कठे शादी जॉइन करेंदा पिया बलोच भी शादी ओ आए हैं मेरे किन्ने घर और शहजाद भाई सारी शादी है पे सारी खुशी है पे तो ऐसा चाहने के तो सारी शादी ज्वाइन कर के हर इलाके का कल्चर चेंज आंदा है पिया इलाके वाइज ना जबान भी चेंज आंदी है पई और कल्चर भी चेंज होता है पे तो ना के सारा जो कल्चर है पिया वो असा तेरे व्यूअरों को दिखाना चाहते हैं सारा शौक है पिया तो मैं यार कोई मसलो नहीं ताबेदार तो मेरे हमसाए वे इतों तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर दूर है पे मतलब घंटे का सफर है तो आगे नो खाने वापस खाधी पीती खाली पेट मेरे को लाया नहीं वेंदा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले शहर पहुंच दे पाए शादी दरख्त है तकलीफ के लिए माजरत मेरे को समझ नहीं इस गल ट्रक के दरख्त होने को समझ को नहीं आई खावा देखो सामने लिखा होता है ऊपर दरख्त है दूसरी साइड तो देखो तकलीफ के लिए माजरत उस्ताद मदीने मदीने क्या नाम है
असा जैसे इनवाइटेड है वह पे बलोच साहबान, मतलब असा बलोच साहबान की तरफ इनवाइटेड है, जैसी शादी है वह पे सियाल बिरादरी। जड़े जड़े मेरे व्यूवर सियाल बिरादरी तो वीडियो देते पे ना थोड़े वास्ते बहुत इंटरेस्टिंग थी वाले, क्योंकि थोड़ी बिरादरी की शादी है। सियाल बिरादरी सारी को मेरी तरफों लव यू थी गया मुर्शिद। असा तकरीबन 40 किलोमीटर सफर कर रहे हैं, मजीद अगर सिर्फ 5 टू 10 मिनट सफर बाकी है। प्योर VIP कारपेट रोड पे रोज सामने शादी लगा रही है प्यार।
वेलकम बैक व्यूअर। तकरीबन कोई 2 घंटे था झूमर मारी से। टाइम क्या थिना पे 12:27 थी पे व्यूअर। झूमर दी चस सही है, सियाल मार्केट कल्चर दी भी चस सही है। जेडे जेडे तुसा सियाल वीडियो दे पे कमेंट च अपना नाम जरूर लिखा है। हुन साडी वापसी है पई घर दी। मेजबान साहब भी साडे नाल हन पे। हुन गड्डी स्पीड स्पीड है पई। किलो सोने सोने अंब पा दियो। बहुत शुक्रिया बुजुर्गो, बहुत शुक्रिया। जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे। बैक व्यूअर पहुंचे हैं अपने घर अपने गरीब खाने ते। और पहले समदे जड़ी वीडियो बनाई वदे सी को एडिट करे ने तो पता वेंदे आ बारिश आई ना। हुन तो मौसम बिल्कुल साफ सुथरा लेवल दे पे। और मजे दी गल तो रसा जेड़ी जगह ते शादी ते गया सा तो बिल्कुल बारिश कोई ना होवे, बिल्कुल जमीन सुक्की पई आवे। लेकिन इथा तो पता कितनी तेज बारिश आई है। हाले तक जड़ा ना साडे फर्श जड़ा ना गीला पे थिया। हुन जेले असा स्पीड में गड्डी घिन के कम से कम 150 दी स्पीड सिवे को घिन के आ। और तकरीबन जड़े वेंदे 45 मिनट लगे, हुन आंदे सिर्फ अद्धा घंटा लगे क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड दे विच मैं आ। और इतने करने से आज जुड़ता एंड तो मैं तक साढ़े दौड़े चले गए। अगर साढ़े दौड़े चले गए सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मैं इंशाल्लाह नए वीडियो नाल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।